हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला में हम देखेंगे कि इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या होगा बेटा? देखिए, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, एक्चुअली दो कॉन्वेक्स सरफेस को जोड़ के ही लेंस बनता है बेटा। ये इन दोनों का सेंटर हो गया, यहां मीटिंग पॉइंट। ये वही है प्रिंसिपल एक्सिस जो कल हमने कहा था, जो पिछले टॉपिक में हमने कहा था। इसको एक्स P1 Y कहना है बेटा आपको। इस सरफेस को कहना है X P2 Y। तो बेटा इसकी एक ना एक टेक्निक होती है बनाने की, मोस्टली बच्चे ये गलत करते हैं। तो जब भी आप लेंस मेकर फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ पे दो डॉट लेंगे, ठीक है, और इसको पहले मिला दो आप, ऐसे गलत नहीं बनेगा ये। होता क्या है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाती है, ये हमारा पॉइंट होता है A1, दिस पॉइंट इज A1, ये नॉर्मल है N1, और एक्स P1 Y का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C1। फिर ये रे यहां से रिफ्रैक्ट होके A2 तक जाती है, A2 से हमारा एक दूसरा नॉर्मल पास करता है जो C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। XP2Y का ये नॉर्मल है N2। अगर XP2Y सरफेस ना होता तो ये बिल्कुल रे सीधी जाती ऐसे करके, तो यहां पे वो इमेज बनाता अपना V-, बट इस सरफेस ने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया, तो फाइनल इमेज आपकी यहां बनी। अगर XP2Y सरफेस ना होता तो ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, हम इसको सही कर देते हैं। ये हमारा इमेज बनता, ठीक है। तो अब सारे साइन कन्वेंशन देख लो बेटा। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू, ये R2 हो गया। हमेशा बच्चों को मैं कहता हूं कि ये सबसे पहला काम साइन कन्वेंशन किया करो। ये आपकी फाइनल इमेज बनी है बी, तो इसको आई कह दो आप, है ना, इसको I- कह दो, तो ये हो गया आपका B-। ठीक है, तो बेसिक क्या हो रहा है, यहां पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जा रही है जो कि A1 पॉइंट से बेंड हो जाएगी, फिर A2 पॉइंट से और बेंड होगी, तो फाइनल इमेज हमारी ये बनी। अगर XP2Y ना होता तो ये वाली जो रे है वो सीधी जाके यहां इमेज बनाती। तो अब हुआ क्या, इस ऑब्जेक्ट की इमेज I- है, फिर XP2Y सरफेस ने I- को अपना ऑब्जेक्ट मान के फाइनल इमेज आई बनाई, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअली डायग्राम ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको गलत करते हैं, अच्छी तरह से देखिए इसको। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सॉरी ये भी μ1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो हम यहां पे साइन कन्वेंशन करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि O से इसको O- ले लेते हैं, O- से O माइनस जो है, O- से C2 माइनस R2 है, O- से C1 इस प्लस R1, O- से I
प्लस वी ओ डैश से आई डैश इज माइनस वी, दिस इज द साइन कन्वेंशन। अब देखिए बेटा, अब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम एक्स पी वन वाई, दिस इज योर एक्स पी वन और वाई। तो हमने कल इसका रिजल्ट निकाला था, मतलब इससे जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर है, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस, उसमें हमने रिजल्ट निकाला था, आप चेक भी कर सकते हैं उसको, कि म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू बाय। अब देखिए यहां पे वी आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि एक्स पी वन वाई के लिए हमारा तो ऑब्जेक्ट ये है एक्स पी वन वाई ने मेज तो आई डैश बनाई है, तो मैं यहां पे वी डैश लिखूंगा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, ये वाला सरफेस ले रहे हैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन। तो देखिए बेटा, अब ये डिपेंड करता है, या तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इस रिजल्ट को कैसे प्रूव कर सकते हैं, वही इसको अल्फा लो, फिर ये जो आपकी मेज बनी है इसको बीटा डैश लो, ये आई लेना पड़ेगा, ये वाला आपको आर लेना पड़ेगा, दिस इज योर गामा। तो वही जैसे लास्ट टॉपिक में किया था वैसे करके ये रिजल्ट आ जाएगा, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ही लिख देंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम एक्स पी वन वाई। अब क्या होगा, एक्स पी टू वाई से रिफ्रैक्शन होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम एक्स पी टू वाई। जैसे इस सब्जेक्ट को एक्स पी वाई ने रिफ्रैक्ट करके ये इमेज बनाई है, अगले केस में क्या होगा बेटा, एक्स पी टू वाई इसे ऑब्जेक्ट मानेगा और ये इमेज बनाएगा, तो उसका रिजल्ट लिखेंगे। देखिए रिफ्रैक्शन फ्रॉम एक्स पी टू वाई जो है इसको भी प्रूव करना पड़ता है हमें, कैसे, बिल्कुल सिंगल मैनर से, कि ये आपका आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये गामा है, ये बीटा है, सेम मेथड से आपको रिजल्ट ड्राइव करना पड़ेगा। तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वैसे लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो ज्यादा मार्क्स का इसमें नहीं आता, तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड होता है, तो आप उसका रिजल्ट कैसे लिखोगे, देखो उसके लिए एक टेक्निक बताता हूँ आपको, आप करके भी देख सकते हो रफ में। ये म्यू वन है, इसको म्यू टू लिखो, दिस इज म्यू वन सो वी कैन राइट म्यू टू, दिस इज म्यू टू सो वी कैन राइट म्यू वन, ये म्यू वन लिख लो म्यू टू, जस्ट इंटरचेंज कर लो, जस्ट आपको मैं याद करने का मेथड बता रहा हूं, अदरवाइज आप ड्राइव भी कर सकते हैं, म्यू टू से म्यू वन मतलब उल्टा कर दिया जस्ट हमने, नीचे लिख दो आर टू, ठीक है। अब ये बी डैश है, अब हमने बी डैश को ऑब्जेक्ट माना है, तो यू की जगह बी डैश नेगेटिव में, और फाइनल इमेज हमारी वी बनी है। तो आप करके जब देखोगे इसको यही रिजल्ट आएगा बेटा, ठीक है, जस्ट इंटरचेंज म्यू वन से म्यू टू, म्यू टू से म्यू वन, म्यू टू से म्यू वन, म्यू वन से म्यू टू, ये वी डैश था इसको यहां ले आओ, ये वी फाइनल आ जाएगा, दिस इज आर टू। अब ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट प्लस टू, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं याद रखने के लिए, क्योंकि अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला 5 मार्क्स में कम आता है, तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड होगा, तो अदरवाइज फिर हमारे दो दो डेरिवेशन हो जाएंगी, पहले इसकी डेरिवेशन करो फिर इसकी करो, इससे बहुत ये लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है, उससे बेटर है कि आप ये रिजल्ट याद रखो। देखो ये रिजल्ट याद करना मुश्किल है ये वाला, तो इसके लिए आपको जो पहले वाला एक्सप्रेशन है वो करके देख लीजिए, पहले ये रिजल्ट सही आना चाहिए, इफ दिस रिजल्ट इज करेक्ट देन उससे ये रिजल्ट बनना इजी है, ठीक है। देन जब दोनों को ऐड करोगे, देखो ये म्यू टू बाई बी डैश है, दिस इज माइनस म्यू टू बाई बी डैश, दोनों हट जाएंगे, कट जाएंगे दोनों, तो बचेगा क्या, म्यू वन बाई माइनस यू प्लस
म्यू वन बाई बी या म्यू टू माइनस म्यू वन, इसको कॉमन ले लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा वन बाई आर वन। अब देखिए यहां था म्यू वन माइनस म्यू टू, यहां है म्यू टू माइनस म्यू वन, तो जब मैं म्यू टू माइनस म्यू वन करूंगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। नाउ डिवाइड बाय म्यू वन बोथ साइड, जब दोनों तरफ से म्यू वन को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, म्यू वन से डिवाइड किया कट गया, यहां आ जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन, यहां वन आ जाएगा, दिस इज वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब म्यू टू बाय म्यू वन को क्या लिखेंगे, इसको रफ कर रहा हूं, आप देख लीजिए पहले, पुट म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू म्यू, सो इट बिकम वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्म, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ वे ऑप्टिक्स, डेफिनेटली इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, चेक कीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए कॉपी पे। साइन कन्वेंशन आपको हमेशा रे ऑप्टिक्स में लिखना होगा, चाहे आप मिरर फॉर्मूला कर रहे हो, लेंस मेकर कर रहे हो, या रिफ्रैक्शन कर रहे हो, या कंबाउंड माइक्रोस्कोप, एनीथिंग, साइन कन्वेंशन से आपको इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है लेंस फॉर्मूला।